बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुश बाश होंगे। तो जनाब, एक छुट्टियों के बाद, ज़्यादा लंबी नहीं पर छोटी सी छुट्टियों के बाद दोबारा से घर की रूटीन के कामों पे आने के ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने अपनी रूटीन को मिस भी बहुत किया है। लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं अपने घर के कामों को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो मेरे लिए ना इनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो घर आए हैं तो काफ़ी, ज़ाहिर है दो दिन से कुछ भी नहीं हुआ हुआ था, तो काफ़ी मैस था। और रात को जो रही सही कसर थी वो बच्चों ने निकाल दी। ये प्लांटर में से जो मिट्टी छुट्टी है वो मेरे सालार ने निकाल दी थी। और काफ़ी ज़्यादा मैस था, मैंने सोचा चलें आज ज़रा दोबारा से अपने कामों को लग जाते हैं और जल्दी जल्दी से आपको अपनी मॉर्निंग की क्लिनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सारी चीज़ों को समेटना शुरू किया है। और मैंने ये ना अब ना बड़ी मुझे खुशी होती है कि जब भी मैं करने लगूँ तो मेरा बेटा साथ में आकर मेरी हेल्प कराने लग जाता है। और ये चीज़ मुझे बड़ी खुश करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको देख के ना कि मेरा बेटा भी सफाई पसंद है, माशाल्लाह। तो अच्छा, मैं अक्सर बंदों को देखती हूँ ना कि सारे काम पता नहीं किस तरह घर के काम वालियों पे छोड़ देते हैं, और एक बार वो सफाई करके चली जाती है वो किस तरह पुरसकून बैठी रहती है, मतलब उनका घर किस तरह साफ़ रहता है। मुझे नहीं लगता, हम तो सफाई करके साइड पर होते नहीं हैं कि एक रूम से निकलें तो दूसरा रूम करके आए तो पहले वाला फिर मैसी हो गया होता है। ज़ाहिर है बच्चों वाले घर में तो यही काम चलता रहता है। तो एक बार की सफाई से तो कोई घर आई मुझे नहीं लगता कि कोई साफ रह सकता है। तो सुबह मैंने आटा भिगो के रख दिया हुआ था, और फिर इसको आसानी हो जाती है ना ज़रा गूंदने में, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि पहले वो गूंद के रख लेते हैं ताकि साफ़ सफाई खत्म होगी तो फिर नाश्ता कर लेंगे। तो बेडशीट चेंज की है मैंने, तो क्योंकि बहुत पता नहीं ये बच्चे हैं ना वो अक्सर नंगे पाँव घूमते रहते हैं, समेत मेरे, मुझे भी थोड़ा सा कम आदत है घर में जूता पहनने की। पता नहीं अच्छी आदत तो नहीं है, बट मैं मेरे गर्मी में ना मेरे से जूते ज़्यादा पहने नहीं जाते, मुझे स्वेट मतलब मेरे जो पाँव पे ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए फिर मुझे बड़ी इरीटेशन होती है। तो यहाँ पर घर के काम तो चलते रहते हैं, और हमारी स्टेयर्स पे भी ना बहुत ज़्यादा ये पेंट गिरता रहता है ना, उससे बहुत गंदा हो जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने पेंट करवाया तो ऐसे लगता है कि कभी बहुत ही टाइम हो गया हुआ है ना पेंट हुए हुए। जब छोटी भाई भाभी आई थी तब हमने करवाए थे, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुए हैं, तो फिर से वो अपनी पोजिशन में दोबारा से वापस आ गए हैं। ये सेम वाले इलाकों में यही मसला होता है। अच्छा, कुछ मेरी दोस्तें ना जॉब करती हैं तो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम बोर नहीं हो जाती घर के कामों से, वो मतलब वही रोज़ की रूटीन। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, आप लोगों की भी तो वही रोज़ की रूटीन है, वही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही चीज़ होती है। और जिस तरह आपको उस काम में मज़ा आता है ना, तो मुझे अपने, ये मेरा काम है, मुझे इस काम में मज़ा आता है, अपने घर को साफ़ रखने में, खाना बनाने में, सबके साथ मिलकर रहने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसलिए भी बोर नहीं होती कि मतलब अगर आप, हाँ ये बात सच है कि एक ही काम करने से आप बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस काम को थोड़ा सा एक्साइटेड कर दें, मतलब उसमें एक्साइटिंग फैक्टर एक ऐड कर दें, तो वो आपके लिए रोज़ के लिए एक ऐसे कर लेना चाहिए कि एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ पर रख दें। कभी कभी चेंज है ना जो, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ को एक्साइटिंग करने में। तो यहाँ पे जो मेरे बड़ साहब है ना, मेरे लिए आजकल एक्साइटमेंट का जो आंसर है ना, जो पॉइंट है, वो मेरा बेबी, जो मेरा बेटा मेरे साथ आजकल नई नई हेल्पिंग कराने में लगा हुआ है। इधर वो पानी पकड़ के, पानी का तो वैसे भी बड़ा शौकीन है, पानी पकड़ के खड़ा हो जाते हैं और मैं फिर अपने काम कर रही होती हूँ। फिर ये मेरे लिए एक बहुत मज़े की चीज़ आ गई है ना, न्यू ऑडिशन हो गया। तो एक चीज़ को अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर दें अगर आप बोर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही तरह की चीज़ें देखें, इंसान की नेचर है, बंदा खुतार जाता है। तो अपनी कमरे की, अपने घर की छोटी मोटी सेटिंग चेंज कर लिया करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ी महंगी महंगी सी चीज़ें शॉपिंग करनी है और घर वालों को भी तंग करना है। तो छोटी मोटी चीज़ें भी जो होती हैं, डेकोरेशन के पीसीज है ना, मैं जिस दिन अपने किचन में भी कोई छोटा मोटा सा चेंज करूँ ना डेकोरेशन, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ उस दिन काम करने के लिए। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और आपसे एक मैंने और भी बात करनी है, आपने अब इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है। मैं पहले तो उस पर खुद भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि अब उस पर भी एक्टिव रहूँगी। तो जिस तरह ये ज़िंदगी है ना, लास्ट में मैं यही कहूँगी, जिस तरह ज़िंदगी नहीं ना रुकती, उस तरह घर के काम भी नहीं रुकते, इसलिए इससे बोर होके गुजारा नहीं है। तो इंशाल्लाह
दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस सोफ़ा कैसी लग रही हैं और आइंदा आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहती हैं। तो बाकी सब ने तो पराठे खाए थे, पर मेरा आज दिल नहीं था, दिल कर रहा था कुछ लाइट खाऊँ, तो मैंने फिर ब्रेड बटर ही खा लिया था। चलें जनाब, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।